यहाँ घरों में छुपकलियाँ आम पाई जाती हैं और घर के तकरीबन सभी लोग खासतौर पर ख्वातीन छुपकलियों से बहुत ज़्यादा डरती हैं। अब बाज़ लोग कहते हैं कि छुपकलियाँ जहरीली होती हैं और बाज़ के नज़दीक इनको मनहूस तसव्वुर किया जाता है। आज हमारे साथ हर्पटोलॉजिस्ट डॉक्टर वसीम अहमद खान मौजूद है, इनसे जानते हैं, इन्होंने छुपकलियों के ऊपर एक तवील रिसर्च की है कि कौन सी छुपकलियाँ जो है जहरीली होती हैं और वो हमारे माहौल के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह हैं। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अपने हाथ में भी एक छुपकली जो है पकड़ी हुई है, ये जो घरों में छुपकलियाँ पाई जाती हैं, क्या ये वाकई जहरीली होती हैं? नहीं, ये जो घरों में पाई जाने वाली छुपकली, क्या पाकिस्तान भर में जितनी भी छुपकलियाँ पाई जाती हैं, कोई 85 से ज़ायद अकसाम हैं, उनमें से कोई भी जहरीली नहीं होती। ये मिसकंसेप्शन है कि जहरीली है छुपकली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल दुनिया भर में जितनी भी स्पीशीज़ हैं, इसकी जो अनवा हैं जो इसकी छुपकली की, उनमें सिर्फ़ एक किस्म ऐसी है जो जहरीली है, जिसमें फैंग्स होते हैं जैसे सांप के मुंह में होते हैं, और उसमें एक पॉइजन ग्लैंड होता है जिससे वो इंजेक्ट करती है, और वो छुपकली भी सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है। उसको कुछ लोग गीला मॉन्स्टर कहते हैं या उसको प्रोनाउंस करने के लिए हीला मॉन्स्टर कहते हैं। वो दुनिया में किसी और जगह नहीं, सिर्फ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, और पाकिस्तान में पाई जाने वाली तमाम 85 से ज़ायद अकसाम है, उनमें से कोई भी जहरीली नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये जो हम कहते हैं कि ये खाने में गिर गई और खाना जहरीला हो गया, वो खाने से अमवात हो गई, तो ये क्या अब उस उन अमवात की वजह फिर क्या हो सकती है? वो एक अलहदा इशू है कि दूध में गिर गई या सालन में गिर गई या खाने में गिर गई और उन्हें खा लिया और मौत वाक़ होगी, ऐसा होता नहीं है। अमूमन इशू कोई और होता है, और अमूमन ऐसे केसों में हमने ये देखा है कि जहर दिया गया होता है मकतूल को और फिर उसको कवर करने के लिए इस बेज़र्र से जानवर का सहारा लिया जाता है। इसकी ये देखें कि इसकी जो जिल्द है, इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं या कुछ ऐसे जरासीम होते हैं, वो किसी भी जानवर में हो सकते हैं, क्योंकि जंगलों में बाहर रहती है और गंदगी खाती है, और इसमें कुछ ऐसे जरासीम या बैक्टीरिया होते हैं जो अगर किसी खाने में गिर जाएं, उसके साथ पक जाएं, तो उससे आप कह सकते हैं कि वॉमिटिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या इन्फेक्शन हो सकती है। अदरवाइज़ जहर नहीं होता, ना इसमें जहर होता है और ना ये, अगर ये आप कहें तो मैं इसको कटवा के दिखाता हूँ कि ये इसमें जहर है कि नहीं है। ये देखें, ये इसने अभी मुझे काट लिया है, तो इसके बारीक बारीक छोटे छोटे दांत है, वो तो गुदगुदियाँ होती है और तो कुछ भी नहीं होता है ऐसा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये दीवारों के साथ चलते कैसे है, क्या सलाहियत अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इनको इनमें पैदा की है? अच्छा, ये अगर आप देखें ना, इसके पाँव के निचली साइड देखें आप, यहाँ पर ना छोटे छोटे सक्शन पैड्स होते हैं, तो ये जब अपने इसको पाँव को दीवार के साथ ऐसे प्रेस करती है तो वैक्यूम बनता है, तो ये उसके साथ चिपक जाती है। और ऐसी कोई इसमें साइंस नहीं है, वैक्यूम बनाने के लिए इसमें सक्शन पैड्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये दीवार पे भी चल लेती है और सीलिंग के ऊपर भी ये चलती है और गिरती नहीं है। डॉक्टर साहब, ये हमारे माहौल के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, घरों के अंदर जो कीड़े मकोड़े या मच्छर होते हैं उनके हवाले से? हाँ, देखें, कुदरत ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। अगर ये इसको कहते ही हाउस गेको हैं कि यानी कि जो घरों में पाई जाती है, तो इसको घरों में छोड़ने का कुदरत का कोई ना कोई तो मकसद होगा। हमें नहीं पता होता कि रात के अंधेरे में हमारे किचन में जो हमारी ढकी हुई चीज़ें नहीं हैं, उसमें कौन कौन से जानवर, कौन कौन से रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, और क्या क्या चीज़ें, या मच्छर या जितने भी इस तरह ताफुन फैलाने वाले या बीमारी फैलाने वाले हैं, वो कीड़े पतंगे फिर रहे होते हैं और हमारी खुराक के ऊपर अपना हाथ साफ़ कर रहे होते हैं। तो कुदरत ने इसको ये रोल दिया हुआ है कि आपने इसने जितने नुकसानदेह कीड़े परवाने मच्छर मक्खियाँ हैं, वो किचन से सफाई करनी है उनकी, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ना कि नुकसानदेह। सर, आखिरी सवाल ये कि ये इसकी आम तौर पर देखते हैं कि दुम बड़ी जल्दी गिर जाती है, इसकी क्या वजह है, ये क्या इतनी नाजुक होती है या ये ख़ुद कोई ऐसा एक्ट करती है? जी, इसको साइंसी इस्तलाह में ऑटोटोमी कहते हैं, यानी कि कोई जानवर अपने जिस्म का कोई हिस्सा खुद ब खुद तोड़ लेता है। इसकी ये जो बुनियाद है, ये वाली बेस है इसकी टेल की, दुम की, जब ये जानवर इसके पास और अपने दिफा का कोई और सिलसिला ऐसा होता नहीं है कि ये यहाँ से ऐसे कुछ मसल्स होते हैं उनको प्रेस करती है, तो इसकी दुम यहाँ से टूट के अलहदा हो जाती है और ऐसे हिलना शुरू कर देती है जैसे जो इसका प्रेडेटर हो या इसके ऊपर जिसने अटैक किया हो वो उसके दुम की तरफ मतवज्जो हो जाता है और ये अपनी दुम की कास्ट के ऊपर खुद निकल भागती है। और ये जो टूटी हुई दुम होती है इसकी,
वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर रीजनरेट होके असली साइज़ की दोबारा बन जाती है। अब ये देखें, इसमें ये एंड के ऊपर आपको अलग-अलग कलर नज़र आ रहा है, ये रीजनरेट हुई है टेल इसकी, यानी कि यहाँ से टूट जाती है और नए सिरे से 2 हफ्तों में रीजनरेट हो जाती है, दोबारा निकल आती है। डॉक्टर साहब, फिर लोग इसे मारते क्यों हैं? क्या आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इसको जहरीला होने की वजह से या कोई मजहबी वजह भी होती है? मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं कि कुछ रिवायात ऐसी कोट की जाती हैं कि छिपकली को जहाँ देखो मार दो, या इसने ये किया, इसने वो किया, लेकिन मैंने बहुत सारे उलमा से भी कंसल्ट किया है, लेकिन उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं हमें सामने आई कि कोई मुस्तनद कोई रिवायत हो। तो बहरहाल ये एक अलहदा इशू है, उलमा इसके ऊपर बेहतर रोशनी डाल सकती हैं, लेकिन जो हमने देखा है, मुझे कोई 25 साल से ज़्यादा हो गए इनके ऊपर काम करते हुए, सांपों पे, छिपकलियों पे, तो पाकिस्तान में तो हमें मुझे बहुत सारी छुपकलियों ने काटा है, और अल्लाह ताला का फजल है, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। पर इनमें जहर नहीं होता। आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका कहना यही है कि ये जो घरों में पाई जाने वाली आम सी छुपकलियाँ, ये बल्कि माहौल दोस्त होती हैं, आपकी किचन में मौजूद दीवारों पर मौजूद छोटे मोटे कीड़े जो है उनको ये हड़प कर जाती हैं, जिससे आजकल डेंगू मच्छर फैल रही है, उन मच्छरों को खा जाती हैं, लिहाजा इन्हें बिला वजह जो है वो मारना नहीं चाहिए। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।